one around me, catch about me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece. Well, hello, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा पार्टी मेले समिति एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के हमारे YouTube चैनल में. जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो finally, I need to install a new shoe for my bike. आगे का टायर जो मैंने चेंज करवाया था कुछ महीनों पहले, जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था, और अभी पीछे का टायर भी चेंज करवाना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और जितना भी टेंशन है उसको हटाते हैं, और खुश मिजाज, खुशहाली से आगे बढ़ते हैं. क्या पहन रहे हो? क्या? अच्छा, पाइनएप्पल. अभी चाय पी के आया ना जस्ट थोड़ी देर पहले. मरुड़ जाएगा तो सुबह पता चलेगा ना. ठीक है, मेरे मरने से सब्सक्राइबर लोगों को बता देना सिराज भाई काफ़ी अच्छे आदमी थे. हाँ, सेम कंपनी का चाहिए, मास्टर का चाहिए. हाँ, MRF का चाहिए मास्टर. ये तो मिशलिन का लगा हुआ है. दुकान में है ना, मंगवाना पड़ेगा ना. कितना टाइम लगेगा? ठीक. अच्छा, टायर बदलने आए थे, लेकिन एक चीज़ याद आ गया, अगर टायर बदल ही रहे हैं तो पीछे का टायर जो पुराना वाला है उसको थोड़ा बर्न रबर नॉट सोल. लेट्स गो. तो कैसा लगा दोस्तों बुजुर्गो? तो बर्न आउट का सिलसिला हो चुका है खत्म. रात साथ में है इरफान भाई. हाय, कैसे हो बताओ? बढ़िया चल रहा है. ठीक हूँ. भाई का चैनल है राइड विथ इरफान, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, भाई को सपोर्ट कीजिए. और जिस स्कूल के सामने हमने बर्न आउट किया था, अभी उस स्कूल में हमारा बच्चा हम भेज नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग बोलेंगे बाप यहाँ पे बर्न आउट करके चला गया, तो बच्चे लोग को एडमिशन नहीं मिलेगा. सब्सक्राइबर मित्र मिले थे यहाँ पे, क्या नाम है? भृगु बोरा. एक और भाई साहब मिले थे, वो भाग के चले गए, कैमरा देखते ही भाग गए वो. सो जिसका शक था वही हो चुका है. जो लाने गए थे भाई साहब मास्टर टायर, उनको टायर मिला नहीं. 80 रोड जाना पड़ेगा कल. हाँ. तो वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे, अभी चलिए. तो जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के बाद फिर से स्वागत है, मतलब वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम. अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स 80 रोड, क्योंकि टायर तो आज लाना ही है, जैसे करके भी लाना है, क्योंकि पीछे का टायर का हालत बहुत ही ख़राब है. तो चलिए फिर जाते हैं 80 रोड, अब देखते हैं टायर मिलता है कि नहीं. अभी सबसे पहले क्या करना है कि रोकड़ा था कैश निकालना है. चलो फिर निकाल लिए है कैश, उस पर करेंगे ऐश. अरे, तो पहुंच चुके हैं गणेश गुड़ी, एंड वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इच्छा पूरन, ट्रेडिशनल बंगाली रेस्टोरेंट विथ कैटरिंग सर्विसेस. क्योंकि हमको पसंद है इलिश मछर झोल, इलिश माछ, जो कि यहाँ पे बहुत टेस्टी बनाते हैं ये लोग. यहाँ पे थोड़ा आगे जाने से ही लेफ्ट हैंड साइड में है एक टायर शॉप, वहाँ पूछ के देखते हैं पहले, अगर मिलता है तो सही है, नहीं मिला तो आगे मिलेगा, ऐसा आशा तो होप रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं. तो अब गाइस शॉप ढूंढते अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं वॉलपोर्ट में है, और 80 रोड जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे टायर मिल चुका है MRF का मासेटर. अमेजोन में मिल रहा 3600 में, लेकिन यहाँ पे मिला मुझे 4100 में, थोड़ा महंगा है, लेकिन पास में मिल गया तो सही है. तो और एक चीज़, यहाँ पे मोटोक्रेज बोल के एक शॉप है, तो वहाँ पे एक चीज़ मॉडिफिकेशन करने दिया है, R3 का जो पीछे का मेरा नंबर प्लेट है उसको क्लेम लगा के, और टायर का मार्गट वगैरह हटाने के लिए बोला है, देखने में कूल लगता है, सेक्सी लगता है, ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल होता है तो दिखाएंगे वीडियो में, चलिए बने रहिए. टायर का
इंस्टॉलेशन खत्म, उसके साथ में ब्रेक पेड भी लगवा दिया यहाँ पे भाई साहब ने, जो जुगाड़ करके लगाया, मतलब R15 का ब्रेक पेड लगवाया पीछे, R3 का नहीं जी, यहाँ कुछ जुगाड़ टेक्निक से लगवाया है। कितना बड़ा खर्चा भाई बता दो एक बार। 500 रुपये में पीछे का ब्रेक पेड मिल चुका है। और अभी फिलहाल जाएंगे हम बंगाली भाई के पास में, वहाँ पे जाके क्लेम लगाएंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा टहलते टहलते एक सब्सक्राइबर मित्र मिल चुके हैं, क्रिश अब्राम बोल के, इनके पास में धासू बाइक है ये वाला R15 V3 है। तो आज ये भाई साहब आए मोटोक्रेज में लगाने के लिए रेडिएटर गार्ड। तो कैसा चल रहा है जिंदगी? जिंदगी तो ताबड़तोड़ चल रहा है बस। यहाँ भी बातचीत करते हैं आपसे, तुरंत मिलते थोड़ी देर बाद। अभी टायर्स के शॉप के बगल में एक और शॉप है जिसका नाम है मोटोक्रेज। 10-15 साल से ये वाला शॉप जो है गुवाहाटी के गणेशगुरी सेंटर में है, और फिलहाल मैं शॉप के अंदर में हूँ और यहाँ पे अभी काम करवाने वाला हूँ मेरे यामाहा R3 का फेंडर एलिमिनेटर का, जो कि मिल चुका है भाई साहब के पास में। कितना का प्राइस है भाई फेंडर एलिमिनेटर का? ये आपका 2200 में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और इसी के अलावा इस पर्टिकुलर शॉप में आप देख सकते हो पीछे जो है यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिल रहा है, वेगा स्टील बर्ड LS2 MT और SMK, ये सब हेलमेट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज, आप लिख सकते हो ग्राफिक्स वगैरह, पीछे देखते हो उस तरफ है मशीन, वहाँ पे आप कस्टमाइज बन के रैपिंग वगैरह भी करवा सकते हो यहाँ से। यू कैन बाय एलॉय व्हील्स फॉर बुलेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एंड ये एक्शन कैमरा भी है, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय GoPro एंड ऑल दोस स्टफ्स, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता आई गेस। यहाँ पे नॉर्मल वाला एक्शन कैमरा मिल रहा है, उसके अलावा गियर लीवर हो, क्लच लीवर हो और हैंडल ग्रिप हो, यार फिल्टर सब कुछ मिलता है यहाँ पे। डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो बताना कि सिराज भाई के वीडियो देख के आए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, 10-15% जो भी देते हैं ये लोग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी मेरा बाइक का काम करवाते हैं और देखते हैं किस तरह का काम वो कंप्लीट करते हैं। जो फेंडर एलिमिनेटर देखा था आप लोगों ने, उसके साथ में ये वाला इंडिकेटर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये पड़ेगा आपको 400 रुपये का आसपास। तो ये वाला फिट होगा, फेंडर एलिमिनेटर फिट होगा, उसके बाद दिखाऊंगा कैसा आता है। यहाँ पे बंगाली भाई आप आने से यहाँ पे पूछ लीजिएगा भाई साहब से कि कोई सा भी बाइक हो, मॉडिफाई हो जाता है ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो पहले जैसा तो मॉडिफिकेशन चलता नहीं है आजकल। जो पहले मैं हीरो होंडा को हायाबुसा बना दिया वैसा मॉडिफिकेशन चलता नहीं है। तो जैसा कि आप देख चुके हो फिटिंग हो गया है, गाड़ी लग रहा है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। सो इनकेस यू आर लुकिंग फॉर ए बजट टायर जो आप किसी भी 300cc बाइक में लगवा सकते हो, आप मिशेलिन, पिरेली, देन मेटजलर, ये सब को छोड़ के अगर बजट टायर चाहिए आपको तो आप मासेटर का लगवा सकते हो। और गुवाहाटी में अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको मोटोक्रेज के बगल वाले दुकान में आपको मिल जाएगा। इधर मैं वीडियो खत्म करने से पहले निको भाई को बाय बाय, मैं और एक भाई साहब आए थे, दीजिए अपना नाम बता दीजिए एक बार। लिटोन। इधर इरफान भाई, इनका चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इनका 6000 समथिंग हो गया सब्सक्राइबर, इनको भी सपोर्ट कीजिए निको भाई को। याद अगर वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ। चलिए बाय बाय। रैप ना, रैप तो स्टार्टिंग में रैप हो जाता है मेरा, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, बाय बाय।